आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है, यहाँ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ लड़ रहे लोगों में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा पॉपुलर हैं। दिग्गज अर्थशास्त्री विवेक देवराय का निधन हो गया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। देवराय को भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय आर्थिक नीतियों को आकार देने में प्राथमिक भूमिका निभाई थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपने भांजे रेहान के साथ 10 जनपद आवास पर दीवारों को पेंट करना सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भांजे से कहा कि दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे देपसोंग और डेम चौक में टकराव खत्म करते हुए भारत और चीन ने सैनिकों को पीछे हटाने के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी है। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने डेम चौक के अग्रिम मोर्चे पर अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ गश्त शुरू की। भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रच दिया है, जहां लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस सफलता से गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी मिशन में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वार्षिक दीपावली समारोह के लिए कर्नाटक के चिकमंगलूर स्थित देवी रम्मा हिल मंदिर की ओर जाते समय कई श्रद्धालु घायल हो गए। बता दें कि लगातार बारिश के बावजूद हजारों लोग देवी विदिशा देवी रम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। यह मंदिर मलेन हल्ली में स्थित है और साल में केवल एक बार दीपावली के दौरान खुलता है। यहाँ पूरे कर्नाटक से पर्यटक आते हैं, जो प्रसाद चढ़ाने, तेल मक्खन और घी लगाने जैसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। केरल के पलक्कड़ में ट्रेन की चपेट में आने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम सेरानूर रेलवे स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्सप्रेस की चपेट में आने से इन सभी मजदूरों की जान चली गई। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष सफाई कर्मचारी शामिल है। मुंबा देवी सीट से शिवसेना सिंधे की उम्मीदवार साइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने के बाद शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उनके माफी मांगने के बाद साइना एनसी का बयान सामने आया। साइना ने कहा कि उनके बगल में बैठे अमीन पटेल हंस रहे थे, क्या वह अपनी बहन और समुदाय की बहन के लिए भी ऐसा ही करेंगे। कानपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर की आतंकी घटनाओं को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सेना दे रही है जवाब। बता दें कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री सिंह आज कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री अरमापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई फील्ड गन फैक्ट्री परिसर में स्थित हीट ट्रीटमेंट अनुभाग, गन असेंबली और जीरो वेस्ट सेक्शन विजिट की। यहां उन्होंने धनुष सारंगन और इंडियन फील्ड गन यानी FG-T90 टैंक की बैरल को बनते देखा। बिहार के हाजीपुर जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों पर हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जुआ उत्पाद अधिनियम और वारंट के मामले शामिल है। पुलिस ने 50 लीटर देसी शराब, 6 बाइक, नगद 4,250 रुपए, 2 मोबाइल और ताश के 3 पैकेट भी इनके पास से बरामद किए हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में विश्वकर्मा दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो बिजली पानी के बढ़े हुए बिल माफ कर देंगे। पंजाब में धान खरीद और डीएपी खाद को लेकर 5 नवंबर को श्रोमणी अकाली दल द्वारा पूरे राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़ ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के प्रयास के मामले में एसआईटी को जांच में अहम सुराग मिले हैं। एसआईटी ने 3 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें चिट्ठी पर फर्जी हस्ताक्षर करने वाले 2 लोग शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ईमेल एक निजी कंपनी के वाईफाई कनेक्शन से भेजी गई थी, जो जिंद के सुनील कपूर के नाम से रजिस्टर्ड है।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने दावा किया कि राज्य के कुछ इलाके में हिंदुओं की जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं की रक्षा के लिए भाजपा लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में फिर से हुआ जमकर बवाल, जहां कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब के आश्रम दामाखेड़ा में पटाखे फोड़े गए। इतना ही नहीं, प्रकाश मुनि साहेब के बेटे से दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर 16 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल की काली करतूत आई सामने, जहां गर्भवती महिला से खून से लथपथ अस्पताल का बेड इसलिए साफ करवाया गया क्योंकि उसी पर उसके पति की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन की शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। अब अस्पताल की ओर से इस मामले पर सफाई आई है, जहां अस्पताल की ओर से दावा किया गया है कि महिला ने सबूत जुटाने के लिए कपड़े से खून पोंछने की अनुमति मांगी थी। शिमला नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको प्रमाण पत्र के लिए कैश काउंटर पर पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा देश और विदेश में कहीं से भी ऑनलाइन उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में आज दो जगहों पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां कश्मीर संभाग के अनंतनाग में जवानों ने एक और दो दहशतगर्दों को ढेर किया। वहीं श्रीनगर के खानयार में आतंकियों ने 4 जवानों को घायल कर दिया। इसके बाद जवानों ने आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त करते हुए ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। वहीं खबर आ रही है कि इस मामले में भी एक आतंकी मारा गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी के 2 विधायकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के दोनों विधायकों पर अलग अलग हमला हुआ और वो हमला पार्टी के ही लोगों द्वारा करवाया गया था। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई, जब्त किए 24 करोड़ के गहने, 10 करोड़ कैश भी हुआ बरामद। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसे में चुनाव आयोग भी काफी सक्रिय हो गई है। गुजरात में अब कचरे से बनेगी बिजली, अमित शाह ने सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने नए जिले की समीक्षा लगभग पूरी कर ली है। यह कमेटी उपचुनाव के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नवंबर में सरकार छोटे जिले के भविष्य पर निर्णय ले सकती है। कमेटी का मानना है कि जिले के मापदंडों के आधार पर अन्य जिले में मिलाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सके। नमक यानी सोडियम हमारे शरीर के बेहतर कामकाज के लिए काफी जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक का ज्यादा सेवन आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकता है? जी हाँ, ज्यादा नमक खाने से हार्ट और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इस बीच WHO ने अधिक नमक खाने वालों को सलाह दी है, जिसके अनुसार रोजाना 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने से अगले 10 सालों में हार्ट डिजीज और किडनी की गंभीर बीमारियों से होने वाली लगभग 3 लाख मौतों को टाला जा सकता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट भर्ती के लिए 500 पदों पर नियुक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in/recruitment पर जाकर 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट। We'll be right back.